फ्रॉस्टिंग तो आपको तो पता ही है कि किस तरीके से करते हैं, कि आपने केक बना लेना है पहले और कोशिश किया करें क्रीम को जो है ना आप सही से व्हिप किया करें और ठंडी ना हो ज़्यादा, बर्फ़ ना हो। अगर बर्फ़ होगी और उसको व्हिप करेंगे तो थोड़ी देर के बाद जब वो बर्फ़ पिघलेगी तो ये आपकी जो है क्रीम नरम हो जाएगी। जब भी आप फिनिशिंग करें तो आपकी छुरी साफ होनी चाहिए। अब देखिए इन सब आपने क्या करना है, पहले तो आपने जो आपको जो परेशानी हो रही थी, जो मुश्किल हो रही थी, आपसे नहीं निकल रहे थे, उसकी कुछ टेक्निक होती हैं, ठीक है। आपने तो सबसे पहले जो स्पून लिया होगा वो छोटा लिया होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, ओवर व्हिप जो है ना, सबको बता रहा हूँ, ओवर व्हिप नहीं करनी, थोड़ी सी नरम होनी रखनी है आपने, ना ज़्यादा मतलब ठीक होनी चाहिए ना ज़्यादा नरम, जैसे नॉर्मल होती है ना वैसे करें। और आपने इसको थोड़ा सा जमा के थोड़ा सा टाइट करके आप थोड़ी सी इसकी फिनिशिंग दें, ठीक है। जब प्लेन हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, स्पून लेना है, ठीक है। और ये मैंने गर्म पानी रखा है, नज़र आ रहा है गर्म पानी आ रहा है, ठीक है। और ये गर्म देखें, ये बॉयल हो रहा है, इसमें से ना भाप निकल रही है, ठीक है। आपने इसको यहाँ रखना है इसके अंदर, ठीक है। जब थोड़ा सा नरम हो जाए तो ठीक है, आपका स्पून जो है ना गर्म होना चाहिए। और उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको ये सीधा करना है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ लेके आपने इसको ऐसे मोड़ा है ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ आके रोक देना है, ठीक है। और आराम से आपने उठा के केक के ऊपर लगा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फिर ऐसे ही करना है आपने, जब तक कि आपने जो बनाया होगा अपना सबा खान जिन्होंने मुझे मैसेंजर किया था, आपने जो बनाया था वो आप उसी चम्मच से ठंडे पानी से कर लीजिए, ठीक है। तो इस वजह से वो आपकी उसमें फिनिशिंग नहीं है या आपसे निकले नहीं, तो आप गर्म पानी लीजिएगा, इंशाल्लाह वो बिल्कुल सेट रहेंगे और बिल्कुल आराम से आप उसको निकाल के आप बना सकेंगे। थोड़ा सा प्रेस करके, प्रेस कर देना है अच्छी तरह, फिर आपने लेना है स्पून, इसको गर्म करना है और नीचे की तरफ आपने लाना है और इसको आराम से घुमाना है। आराम से जब ये आ जाए तो इसको यहाँ थोड़ी सी शेप देनी है आपने, और फिर ये उठा के अपने केक के ऊपर लगा देना, ठीक है जी। अब ये देखिए ये केक हमारा तैयार हो गया, नज़र आ रहा है इसमें केक, ठीक है। अच्छा अब देखें, उसके बाद आपने जो चमचा जो है वो मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा गहरा वाला लेना है जिसके अंदर गहराई हो। ये देखें इन दोनों में फ़र्क है, ये गहरा है मैंने इससे बनाया है, इसमें गहराई नहीं है, इससे आपका सही नहीं आएगा, परफेक्ट नहीं आएगा, ये भी आप देख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, ग्लेज लेनी है, ग्लेज थोड़ी सी इसमें पानी वानी नहीं डालना, थोड़ी सी मिक्स करना है आपने विद से। उसके बाद उसमें ब्लैक कलर आपने ऐड करना है, ब्लैक कलर ऐड करके आपने इस पर लाइन वगैरह ना ऐसे हिलाते रहना है और आहिस्ता आहिस्ता उस पर डिज़ाइन बनाना है। अगर ये ना भी है तो आप अपनी मर्ज़ी से बना लें, जैसा भी आपको बेहतर लगे। उसके बाद साइडों से आपने जो भी गार्निश करनी है। अच्छा दूसरी बात, एक और बात बता दूं मैं आप लोगों को, कि मैं वीडियो जो भी बनाता हूं मैं सबके लिए बनाता हूं, मैं किसी एक के लिए मैं नहीं बनाऊंगा। अगर कोई ये कहता है कि सर हमें मैसेंजर पे आप बना के सेंड कर दें, तो कभी भी नहीं, मैं सबके लिए एक जैसी वीडियो बनाता हूँ ताकि आपके लिए बना तो सबको फ़ायदा हो, ठीक है जी। इंशाल्लाह ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये मैंने ट्रांसफर शीट है उसकी मैंने बनाई है, तो ज़रूर सबा खान आप तो ज़रूर कोशिश कीजिएगा, इसकी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये अब आपसे परफेक्ट बनेगा। और ज़रूर आप पोस्ट कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई अगर समझ में ना आए तो आप मुझे इसी पोस्ट के नीचे, इसी वीडियो के नीचे आप मुझसे पूछ सकते हैं।